So hello everyone, now we are starting with the chapter of dividend. अब देखना बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इट्स ए वेरी 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 सिंपल चैप्टर। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द चैप्टर कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो ये चैप्टर जो एप्लीकेबल है डिविडेंड, आप सोच के देखो ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है, बट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये चैप्टर है एप्लीकेबल आपके आईपीसीसी ऑडिट के अंदर, ये चैप्टर है आपके एप्लीकेबल सीए फाइनल बोथ लॉ एंड ऑडिट ओल्ड सिलेबस के अंदर, एंड साथ ही साथ सीए फाइनल न्यू सिलेबस के अंदर, सिर्फ ऑडिट के अंदर, यहां लॉ के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? सो द चैप्टर ऑफ डिविडेंड, द चैप्टर ऑफ डिविडेंड। नाउ द चैप्टर इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर, इट्स अ वेरी लॉजिकल चैप्टर एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। अब देखना, आप अगर हम डिविडेंड की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? आइडियली डिविडेंड का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, क्या समझते हैं हम लोग डिविडेंड का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिविडेंड का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखना डिविडेंड का जो लॉजिकल प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है। इफ आई टॉक अबाउट डिविडेंड, सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड द डिविडेंड। तो सबसे पहले क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है, रिकमेंड करती है डिविडेंड को। सबसे पहले द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड डिविडेंड, कौन रिकमेंड करता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड द डिविडेंड। ठीक है जी, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को रिकमेंड किया, बट क्या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिविडेंड को रिकमेंड करने से कुछ होगा? द आंसर इज नो। तो यहां क्या चाहिएगा अपने को? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। व्हाट वेन इट इज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड कर दिया और हमने साथ ही साथ क्या ले लिया जी? हमने साथ ही साथ मेंबर्स का अप्रूवल ले लिया। वी हैव टेकन द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स, वी हैव टेकन द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग लॉस इज, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिपॉजिट द मनी इन शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट इन 5 days, डिपॉजिट द मनी इन शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट इन 5 days। आप क्या करें 5 दिन के अंदर, आप क्या करें 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दें। आप क्या करें 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दें। ऐसा क्यों करें? वरना नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई डिक्लेरेशन कर दी बट आपने उस पैसे को फ्रीज नहीं करा तो हो सकता है आपने कहीं और खर्च कर दो आप। तो इसलिए लॉ मेकर क्या कर रहा है, एक तरीके से सेलिंग इम्पोज कर रहा है कि भाई एक बार तुमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो कहीं और मिस यूटिलाइज नहीं हो, तो इसलिए क्या किया है 5 दिन में शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना होगा। तो आपने 5 दिन में शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दिया पैसा, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करें, अगला स्टेप क्या करें? फाइनली यू हैव टू पे द डिविडेंड इन 30 days। 30 days कब से है? डिक्लेरेशन से है। यानी अगर मैं 5 days के हिसाब से बात करूं तो ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट 25 days। क्या बन जाएगा? नेक्स्ट 25 days। ठीक है,
तो फाइनली आपको क्या करना है, 30 डेज के अंदर पे कर देनी है। 30 डेज के अंदर यू हैव टू पे, यानी कि नेक्स्ट 25 डेज के अंदर आपको क्या कर देनी है, पे कर देनी है। अब देखना उसके आगे लॉ क्या कहता है। अब यहां पे जब हम कहते हैं पे कर दो, तो काफी सारे सवाल उठते हैं, क्या सोर्सेज रहेगा, व्हाट शैल बी द वेरियस सोर्सेज ऑफ पेमेंट। क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। इस तरीके के काफी सारे सवाल हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में अराइज होते हैं, जिसका आंसर हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। उसके बाद लॉ कहता है कि मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बट द इन्वेस्टर्स हैव नॉट क्लेम्ड द डिविडेंड फॉर 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। द इन्वेस्टर्स हैव नॉट क्लेम्ड द डिविडेंड फॉर 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी विल हैव टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कंपनी विल हैव टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये बेसिकली एक लीगल प्रोसीजर है जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कंपनी ने वादा किया हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, 30 दिनों के अंदर क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा। 30 दिन के बाद अगर 7 डेज पार हो गए, इन्वेस्टर्स ने पैसे क्लेम नहीं करे, तो क्या करना होगा, कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होगा। आप बोलोगे इन्वेस्टर्स ने पैसा क्लेम क्यों नहीं किया, तो भाई कभी कभी डिविडेंड 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसा ऐसा अमाउंट का होता है, तो कौन उस चेक को बैंक में लेके जाए जमा करे, तो इसलिए हमने क्लेम नहीं किया, तो वो पैसा कहां चला जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। एंड इफ द अमाउंट इज अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इफ द अमाउंट इज अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब यहां पे लॉ में कहा गया है कि ये जो पैसा है ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, IEPF में चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। और एक राइट अब यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ना केवल डिविडेंड चला जाएगा बल्कि वो शेयर भी ट्रांसफर हो जाएगा। इवन द शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। इवन द शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। सो अब देखना जो प्रोसेस की हमने बात करी, द प्रोसेस वी टॉक्ड अबाउट, सबसे पहले क्या चाहिए था, रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। उसके बाद क्या चाहिए था, अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। उसके बाद कंपनी ने जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया क्या करना पड़ा, 5 दिन में शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पैसे को जमा करना पड़ा, 30 दिन में पे करना पड़ेगा। अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग सवाल देखेंगे इस चैप्टर में कि भाई डिविडेंड पे करना पड़ेगा तो सोर्सेज क्या होंगे, मोड क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे। अगर इन्वेस्टर्स ने क्लेम नहीं किया फॉर 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, कंपनी को ट्रांसफर करना होगा टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर अमाउंट अनक्लेम्ड है फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, देन ट्रांसफर टू IEPF। तब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू IEPF, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब देखना ये जो चैप्टर है डिविडेंड का, बेसिकली इट्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
जिसमें चार सेक्शंस हैं, सेक्शन 123 से लेके 127। तो इनफैक्ट पांच सेक्शंस हैं, देर आर फाइव सेक्शंस इन दिस चैप्टर, 123 टू 127। तो भाई चैप्टर का नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो भाई सबसे पहला सेक्शन जो सेक्शन 123 है वो क्या होगा? दैट विल बी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो सेक्शन ही अपने आप में क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? तो अपने आप में सेक्शन 123 क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखना, उसके बाद अगर 30 डेज के बाद 7 डेज तक क्लेम नहीं किया तो क्या चक्कर था? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो 124 किसका सेक्शन है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट का सेक्शन है। और फिर क्या था? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो 125 किसका सेक्शन है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का सेक्शन है। अब देखना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर क्या करना होगा? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया एंड देर इज ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 123, 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया, देर इज ए कॉन्ट्रावेंशन, तो सेक्शन 127 में लगेगा पेनल्टी। तो सेक्शन 127 में लगेगा पेनल्टी। तो 123 और 127 साथ साथ चलेंगे, 123 127 साथ साथ चलेंगे। एंड 126 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है अपने आप में, दैट इज डिविडेंड इन अबेयंस। That is dividend in abeyance. Clear है? तो हमने क्या बोला भाई? 123 declaration and payment of dividend, 124 that is unpaid dividend account, 125 IPF, 127 penalty, 126 dividend in abeyance. तो ये सारे concepts क्या हैं? अपने को इस chapter में देखने हैं, तो let us see them one by one. Now you see what is dividend. सेक्शन 123 का पार्ट करेंगे। सबसे पहले पहले डिविडेंड का बेसिक डेफिनेशन दिया है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब आप देखना, डिविडेंड के डेफिनेशन में कुछ क्लैरिटी नहीं है। यहां सिर्फ इतना कहा गया है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड दैट वी हैव, वन इज फाइनल डिविडेंड, वन इज इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब वो वाला डिविडेंड जो बोर्ड रिकमेंड करता है मेंबर्स एजीएम में, बोर्ड रिकमेंड करता है और मेंबर्स एजीएम में डिक्लेयर करते हैं। जबकि अगर एजीएम से पहले अगर बोर्ड को डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अगर एजीएम से पहले बोर्ड को डिविडेंड डिक्लेयर करना है और उसमें मेंबर्स के अप्रूवल नहीं चाहिए होती, द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मेंबर्स के अप्रूवल वहां पे नहीं चाहिए, बोर्ड अपने मर्जी से क्या कर सकती है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो लॉ में कहा गया है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब भाई पूरे लॉ में जहां जहां जो जो प्रोविजन फाइनल डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल है, पूरे लॉ में जहां जहां जो जो प्रोविजन फाइनल डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल है, वो इंटरिम डिविडेंड के लिए अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब देखना, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के बीच डिफरेंसेस दिए हैं कि फाइनल डिविडेंड को बोर्ड रिकमेंड करता है और मेंबर्स एजीएम में डिक्लेयर करते हैं, जबकि इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। जो 5 दिन का पॉइंट था, जो 30 डेज का पॉइंट था, वो सारा कुछ कॉमन है। फाइनल डिविडेंड में भी कॉमन है और इंटरिम डिविडेंड में भी कॉमन है। इट इज कॉमन इन बोथ द सिचुएशंस। अब देखना सेक्शन 123, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सेक्शन जो है हमें काफी सारे सवालों के जवाब देता है। सेक्शन जो है हमें काफी सारे सवालों के जवाब देता है, जैसे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहां से डिक्लेयर करोगे, करोगे तो करोगे कहां से डिक्लेयर करोगे। भाई लॉजिकल सी चीज है, पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा? करंट ईयर का प्रॉफिट। अगर करंट ईयर में अपने पास प्रॉफिट है तो करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर करेंगे, या फिर अगर करंट ईयर में लॉसेज है, अगर करंट ईयर में लॉसेज है तब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बट आपको सर्टेन कंडीशंस कंप्लाई करनी होगी। अगर करंट ईयर में लॉसेज है बट आपने पुराने सालों में कुछ प्रॉफिट कमाया था और रिजर्व में ट्रांसफर किया था, करंट ईयर में तो लॉसेज है बट पुराने सालों में आपने कुछ प्रॉफिट्स कमाए थे और आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर किया था, उन रिजर्व्स को यूज करके भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, बट कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी होगी, जो कंडीशंस अपन देखेंगे। या फिर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स प्रोवाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स प्रोवाइड किया है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ट्रेडिशनली, अभी तो नहीं,
बट बीच में क्या हुआ था 1960s में 70s में कि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए उनके आईपीओस को पॉपुलर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने गारंटी ली थी कि भाई अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, हम फंड्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अगर ऐसा कोई फंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो आउट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? अब देखना हमने क्या बोला, हमने बोला वैसे तो डिविडेंड आप क्या करोगे करंट ईयर के प्रॉफिट में डिक्लेयर करोगे, करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर करोगे। बट अगर डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज देर आर लॉसेज इन द करंट ईयर, आप पुराने रिजर्व से डिक्लेयर करोगे। बट अगर आप रिजर्व से डिक्लेयर करते हो, अगर आप रिजर्व से डिक्लेयर करते हो तो आपको रूल थ्री के कुछ कंडीशन कंप्लाई करने होंगे। आपको क्या करने होंगे? रूल थ्री के कुछ कंडीशन कंप्लाई करने होंगे। तो क्या है रूल थ्री के कंडीशन, लेट अस सी। इन ए ईयर इन विच प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, इन ए ईयर इन विच प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट और देर आर नो प्रॉफिट्स द कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड आउट ऑफ द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व सब्जेक्ट टू रूल थ्री ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स। तो क्या कंडीशन है रूल थ्री के? भाई लॉजिकल सी चीज़ है, अगर तुम्हारे पास करंट ईयर में सरप्लस प्रॉफिट होता, अगर तुम्हारे पास करंट ईयर में सरप्लस प्रॉफिट होता तो उस करंट ईयर के प्रॉफिट से भाई तुम जितना चाहो उतना डिविडेंड डिक्लेयर करो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करंट ईयर में आपके पास सरप्लस प्रॉफिट होता तो उस सरप्लस प्रॉफिट में से आपको जितना डिविडेंड डिक्लेयर करना हो आप उतना डिविडेंड डिक्लेयर करें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, वी डोंट हैव एनी इश्यूज। बट द पॉइंट हियर इज दैट यू डोंट हैव द प्रॉफिटेबिलिटी इन द करंट ईयर, यू आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व ऑफ द पास्ट ईयर्स। तो जितना चाहो उतना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे डिविडेंड के पेमेंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे? क्या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे कि भाई जितना पैसा तुम विड्रॉ करोगे, जितना पैसा तुम ड्रॉ करोगे वो क्या एक्सिड नहीं करना चाहिए? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एक्सिड नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड, ये सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है रेट ऑफ डिविडेंड के ऊपर। रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग दैट ईयर। तो पिछले 3 साल के आपको रेट्स देगा, फॉर एग्जांपल आपको बताएगा 10% डिक्लेयर किया था, 12% किया था, 8% किया था। तो आप क्या करो, एवरेज ले लो 10% प्लस 12% प्लस 8% डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 10%। तो आपका जो डिविडेंड रेट है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो डिविडेंड रेट है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पिछले 3 साल में कंपनीज ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है तो ये कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यू डोंट हैव दिस कंडीशन एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस कंडीशन। उसके बाद जब आप पैसा एकुमुलेटेड प्रॉफिट से विदड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर भी एक सीलिंग लगाई गई है कि आप कितना पैसा विदड्रॉ कर सकते हो। तो कहा गया है द अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, द अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जितना पैसा आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे एकुमुलेटेड प्रॉफिट से, वो किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व को एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, फ्री रिजर्व 10 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है और फ्री रिजर्व 10 करोड़ है, तो टोटल कितना हो गया भाई, 20 करोड़ हो गया। तो कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? 1/10, यानी मैक्सिमम 2 खोखा विड्रॉ कर सकते हो, 2 करोड़ विड्रॉ कर सकते हो। पैसा विड्रॉ कर लिया, अब सोच रहे हो सीधा डिविडेंड डिक्लेयर कर दे? ना जी ना, पहले जो करंट ईयर का लॉसेस है उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करने की सोचना। तो थर्ड कंडीशन है Amounts of withdrawn shall be first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity shares is declared. Dividend declare करने से पहले आप current year के losses set off करें। तो 3 conditions देखा हमने। कौन कौन से conditions देखा? सबसे पहले हमने rate of dividend का condition देखा कि जो आप dividend declare करोगे वो last 3 years के rate से rate के average से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा condition आपने देखा कि जब आप पैसा विड्रॉ करोगे दैट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जितना पैसा विड्रॉ किया पहले उससे लॉसेस सेट ऑफ होगा। अब चौथा कंडीशन है विड्रॉवल के बाद भी
विड्रॉवल के बाद भी रिजर्व के बैलेंस पर आपकी नजर रहेगी. द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉवल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. तो जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल होगा, हर हाल में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा रिजर्व का बैलेंस है वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए. वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए. क्लियर है? तो रूल थ्री के चार कंडीशंस हुए, लॉजिकल से कंडीशंस हैं. फिफ्थ कंडीशन जो दिख रही है, कार्ड देना नहीं चाहिए अभी. यू डोंट रिक्वायर दिस. दिस वॉज ऑमिटेड बाई द एम सी ए. दिस वॉज ऑमिटेड बाई द एम सी ए कि यू हैव टू सेट अप द प्रीवियस ईयर लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन. ऑमिट क्यों किया है? बिकॉज सेक्शन से हटाकर, रूल से हटाकर सेक्शन में डाल दिया है, इसलिए ऑमिट किया है. तो चार कंडीशन है, लॉजिकल सी चीज़ है भाई. तुम फोन खरीदना चाहते हो, तुम बहुत कमा रहे हो, यू आर अर्निंग ए लॉट, तुम लाख रुपए का आईफोन 10 खरीदना चाहते हो, खरीदो. बट तुम्हारे पास, तुम्हारा फोन चोरी हो जाता है. यू जस्ट हैव लास्ट सेविंग्स ऑफ फ्यू ईयर्स एंड सम सेविंग्स ऑफ 1 लाख रुपीज. क्या पूरा 1 लाख रुपए का जाके आईफोन 10 खरीद लोगे? नहीं. यू विल बी स्पेंडिंग लॉजिकली अराउंड 10,000 रुपीज एंड सेविंग अराउंड 90,000 रुपीज. क्लियर सी चीज़ है ना? तो सेम वे रूल थ्री ऑपरेट करता है कि भाई करंट ईयर में लॉसेज है, फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, रिजर्व है, पुराने साल का रिजर्व है, पुराने साल का एकुमुलेटेड प्रॉफिट है. देख अभी देखना रूल थ्री भी कब ऑपरेट करेगा, जब आपके पास पुराने सालों का रिजर्व है जो आपने एकुमुलेट किया हुआ है. अगर पुराने सालों का रिजर्व भी नहीं है तो कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. रूल थ्री भी तब ऑपरेट करेगा व्हेन बेसिकली यू हैव दोज रिजर्व्स दैट यू हैव एक्युमुलेटेड. व्हेन यू हैव दोज रिजर्व्स दैट यू हैव एक्युमुलेटेड, तब रूल थ्री कहता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. चार कंडीशंस पूरी करनी होंगी. पहला रेट ऑफ डिविडेंड का कंडीशन, दूसरा अमाउंट कितना विदड्रॉ कर सकते हो, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, तीसरा विदड्रॉ करने के बाद पहले लॉसेज सेट ऑफ करोगे, और चौथा बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. सिंपल सी चीज है. और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो रूल थ्री है ये एप्लीकेबल नहीं होगा 100% गवर्नमेंट कंपनीज को. ये जो रूल थ्री है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट कंपनीज. अब 100% गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब क्या होता है? 100% गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब होता है वो गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का है. आम तौर पे गवर्नमेंट कंपनीज पे कितना कंट्रोल होता है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से? कोई भी कंपनी जिसमें 51% कंट्रोल गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट कंपनी है. बट यहाँ बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो उस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर रूल थ्री एप्लीकेबल नहीं होगा. अब जब हम कहते हैं रूल थ्री एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके डुअल इंटरप्रिटेशन है. पहला इंटरप्रिटेशन, 100% गवर्नमेंट कंपनीज कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड एट ऑल. वो डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. और दूसरा, वो आराम से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हैं रूल थ्री की कंडीशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. लेमन इंटरप्रिटेशन हम क्या करते हैं? लेमन इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, काफ़ी ऑथर्स के इंटरप्रिटेशन है कि आप क्या कर सकते हो भाई, डिविडेंड आराम से डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट फुलफिलिंग एनी ऑफ द कंडीशंस. मगर ICAI ने इंटरप्रिटेशन लिया था, एक ही बार ये सवाल आया था, नवंबर 14 के RTP में आया था. ICAI ने इंटरप्रिटेशन लिया दैट 100% गवर्नमेंट कंपनीज कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेज. कि अगर करंट ईयर में लॉसेज है तो 100% गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. तो एक नोट लिख लेना, आप लिख लेना that 100% government companies, these companies cannot declare dividend if there are losses in the current year. Since rule 3 is not applicable to them, तो इसलिए वो क्या नहीं कर सकती, रूल 3 के कंडीशंस को अवेल नहीं कर सकती. क्लियर है? एक और चीज ध्यान रखना, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होगा. डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2. अगर आप ऑडिट का पेपर दे रहे हो और वो एग्जाम में कहता है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2, क्या करोगे आप? आप लिख के आओगे सेक्शन 123 के बारे में, साथ ही साथ अब ये बता के आओगे, अच्छा जी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, शेड्यूल 2 की कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी, मैं क्या करूंगा, SS-705 के हिसाब से रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा. आई विल बी मॉडिफाइंग द रिपोर्ट एज पर SS-705. अब एक सवाल है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले क्या कंपनी को कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर करना होगा? तो याद रखना, पुराने कंपनीज एक्ट में 1956 में एक जमाना था जहां कहा गया था
एक जमाना था जहाँ कहा गया था कि भाई जब भी तुम डिविडेंड डिक्लेयर करो कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है। एक जमाना था जब कहा गया था कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करो कुछ पैसा रिजर्व में डालना कंपलसरी है, बट आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 2013 में ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। आज की तारीख में ये रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है और जो ट्रांसफर टू डिविडेंड है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आज की तारीख में इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है और जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ऑप्शनल हो गई है। इट इज टोटली लेफ्ट टू द ऑप्शन ऑफ द कंपनी कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है या नहीं चाहती है। तो लॉ मेकर ने शब्द क्या यूज किए हैं, लेट अस सी। वैसे लॉ मेकर के शब्द नहीं है बिकॉज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के लिए। तो यहां पे क्या कहा गया, बिफोर डिक्लेयरिंग आवर डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, कंपनी में ट्रांसफर ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट्स कंपनी में ट्रांसफर ए परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व्स ऑफ द कंपनी एट इट्स डिस्क्रिशन फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, चाहे तो रिजर्व डिक्लेयर करे वरना ना करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 इम्पोजेज ए बर्डन टू ट्रांसफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन फाइनेंशियल ईयर। However, Companies Act 2013 introduced a liberal provision in this regard to transfer such percentage of profit to reserve as the company may consider appropriate. Again, some important points, कुछ important points दिए हुए हैं यहाँ पे। Dividend shall be declared only on the recommendation of the board. Dividend shall be declared at the AGM by passing ordinary resolution. ये एक ordinary business है। डिविडेंड डिक्लेयर करना एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऐसा आईपीसी से लॉ में पढ़ते हो आप। कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड एक्सीडिंग द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया हम तो 5% का डिविडेंड देंगे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं हमें 10% डिविडेंड चाहिए, हम तो 10% अप्रूव करेंगे। क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दे में डिक्लेयर ए लोअर रेट ऑफ डिविडेंड बट नॉट द हायर रेट ऑफ डिविडेंड, याद रखना। अब लॉजिकल सी चीज सोच के बताओ, एक कंपनी है जिसके पास पब्लिक डिपॉजिट का रिपेमेंट का पैसा नहीं है और उस कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है और वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, मार्केट में सिग्नल देना चाहती है कि हम तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और उस कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पब्लिक डिपॉजिट का रिपेमेंट करे, तब बताओ क्या डिविडेंड को डिक्लेयर किया करने देना चाहिए। द आंसर इज नो, डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, दैट इज फेलियर टू रिपे द पब्लिक डिपॉजिट, दैट इज फेलियर टू रिपे द पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर है? अब देखना एक कहानी और है यहाँ पे, हम कहते हैं फेलियर टू रिपे द पब्लिक डिपॉजिट्स। अब जब आप सीए फाइनल लॉ में डायरेक्टर्स का चैप्टर करते हो, जब सीए फाइनल लॉ में डायरेक्टर्स का चैप्टर करते हो तो सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया या डिविडेंड के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। अब ये बात एज ए ऑडिटर हमारे लिए क्यों रेलिवेंट है, ये बात एज ए ऑडिटर हमारे लिए इसलिए रेलिवेंट है बिकॉज जब आप कंपनी ऑडिट करते हो, कंपनी ऑडिट करते वक्त आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 करते हो, 143 सब सेक्शन 3 करते हो, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो उन मैटर्स में से एक मैटर है दैट ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर द डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड एज पर 164 सबसेक्शन 2। ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए कि कहीं डायरेक्टर्स 164 सबसेक्शन 2 के हिसाब से डिसक्वालिफाइड तो नहीं है। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ऑडिटर्स को वहां पे रिपोर्ट करना होता है, तो ये एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, ये एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है रिपोर्टिंग का। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड के रिगार्डिंग पॉइंट्स दिए हैं, इंटरिम डिविडेंड का जो पॉइंट है वो लेटर ऑन देखेंगे, विल बी सीइंग इट लेटर ऑन। अब अगेन वही रिक्वायरमेंट्स फिर से दिए हुए हैं कि कंपनी शैल बी डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन सेपरेट अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड बैंक, सच अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एंड ये जो रिक्वायरमेंट है 5 दिन वाली, ये भी 100% गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
डिविडेंड को आप 30 डेज में पे करना होगा, और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो भाई डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, 30 डेज में पे करना ही पड़ेगा, डिविडेंड को रिवोक नहीं किया जा सकता। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया तो वो तो एक लीगली इन्फोर्सेबल पेमेंट बन जाएगा। और अगर आप पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हो तो क्या होने वाला है, 127 में पेनल्टी लगने वाली है। सेक्शन 127 में क्या लगने वाली है सर जी, पेनल्टी लगने वाली है अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट करते हो। डिविडेंड पे करने के मोड्स क्या होंगे, चेक के थ्रू होंगे, वारंट्स के थ्रू होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू होंगे, चेक के थ्रू होंगे, वारंट्स के थ्रू होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू होंगे। अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स वगैरह वगैरह मिलना बाकी है तो वो भी डिविडेंड की पेमेंट से एडजस्ट किया जा सकता है। अगर कोई कुछ कॉल्स इन एरियर्स वगैरह मिलना बाकी है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। डिविडेंड किसको मिलेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। ये जनरल बातें हैं, यू नो ऑल दिस स्टफ, ये जनरल बातें हैं, यू नो ऑल दिस स्टफ। तो दिस आर द जनरल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शन 123। एक चीज और याद रखना कि डिविडेंड जो है हमेशा कैश में पे होगा, चेक के थ्रू पे होगा, बैंकिंग मोड के थ्रू पे होगा, काइंड में पे नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन कहता है, वो आपसे कहता है कि भाई कंपनी क्या करती है, टॉय मैन्युफैक्चर करती है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कंपनी क्या करती है, टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो क्या वो पॉसिबल है? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज डिविडेंड कैसे पेमेंट होना चाहिए, डिविडेंड का पेमेंट हमेशा कैश में होना चाहिए, यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, बैंकिंग मोड के थ्रू होना चाहिए। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड ओनली एंड ओनली थ्रू दैट मोड। तो ये सारे प्रोविजन हमने कहाँ देखे, सेक्शन 123 के अंदर देखे। ये सारे प्रोविजन हमने कहाँ देखे, सेक्शन 123 के अंदर देखे। प्रोविजन ऑफ इंटरिम डिविडेंड देखना बाकी है अलग से थोड़ा बहुत, वो देखना है अपने को। द सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, रूल 3, कंडीशंस, द मोड ऑफ पेमेंट, वो सारा कुछ हमने सेक्शन 123 के अंदर देखा। अब 123 में क्या कहा गया है भाई, डिविडेंड कितने डेज में पे करने का, 30 डेज में पे करने का। फिर मैंने क्या बताया था, आगे का प्रोसीजर क्या था याद करें, 30 डेज के बाद, 30 डेज के बाद अगर 7 डेज तक इन्वेस्टर्स ने पैसा क्लेम नहीं किया तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। वो पैसा कहाँ चला जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। तो सेक्शन 124 किसके बारे में बात करता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात करता है। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा अगर 7 साल तक रह गया, उससे क्लेम नहीं किया गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। और अगर 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 आपने कंपनी ने यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में डिले किया तो कंपनी को देना होगा 18% सिंपल इंटरेस्ट। कंपनी को क्या देना होगा, 18% सिंपल इंटरेस्ट कंपनी विल हैव टू बियर, 18% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखना सेक्शन 124, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 डेज आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन शुड बी ट्रांसफर टू ए स्पेशल डिविडेंड अकाउंट, एंड इफ द अमाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू ए अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो एक बार अगर कंपनी ने डिले कर दिया इन पेमेंट ऑफ इन द ट्रांसफरिंग ऑफ अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी को कितना ब्याज भरना होगा, 18% सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज भरना होगा। क्लियर है? और अनपेड डिविडेंड अकाउंट से कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, अपना डिविडेंड क्लेम कर सकता है, अपना डिविडेंड क्लेम कर सकता है। एक एमसीए नोटिफिकेशन है निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में, इग्नोर कर सकते हो, जरूरत नहीं है करने की। अब देखना सेक्शन 125 टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो सबसे पहले तो यही कहा गया है कि भाई अगर 7 साल तक पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से क्लेम नहीं किया गया तो कंपनी क्या कर सकती है, उस पैसे को ट्रांसफर कर सकती है टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कि अगर 7 ईयर्स तक पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से क्लेम नहीं किया गया तो उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। राइट? अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा एकमलेट होकर रखा था उसको इन्वेस्ट करने पर कोई ब्याज की इनकम हुई है, इंटरेस्ट इनकम हुई है, उसको भी क्या कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, आईपीएफ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, इस फंड को किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसको यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए ही यूटिलाइज किया जाएगा।
जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जिनको डिविडेंड नहीं मिला था उनको रिपेमेंट करने में यूटिलाइज किया जाएगा, राइट, उनका ही रिपेमेंट करने में यूटिलाइज किया जाएगा, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को ही एड्रेस करने में यूटिलाइज किया जाएगा। अब आईपीएफ में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, लॉजिकल सी चीज़ है। देखो आईपीएफ में पैसा कहाँ से आया, यहाँ पे अनपेड डिविडेंड से आया। इस तरीके से जितने भी अनपेड अमाउंट्स हैं पूरे लॉ में, फॉर एग्जाम्पल कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स लिया था कंपनी ने, 3 साल के लिए लिया था, 36 मंथ्स के लिए लिया था, मैच्योरिटी पीरियड एक्सपायर हो गया, कंपनी पैसा देने को रेडी है बट जो पब्लिक है जिसने डिपॉजिट दिया था वो पैसे ले ही नहीं रही है, दे आर नॉट क्लेमिंग द डिपॉजिट्स, दे आर नॉट आइडेंटिफिएबल, दे आर नॉट ट्रेसेबल, तो वो जो मैच्योर डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ डिबेंचर्स, के डिबेंचर होल्डर्स का रिडेम्पशन का टाइम आ गया है, द कंपनी इज रेडी टू पे बट द डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ट्रेसेबल, तो वो जो मैच्योर्ड डिबेंचर्स का पेमेंट है, अनपेड डिबेंचर्स, वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स मिलता है टू डिक्लेयर, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलता है टू पुट द मनी इन दिस फंड, तो वो पैसा कहाँ आएगा, लॉजिकली आईपीएफ में आएगा। जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न होगी इस फंड से वो भी आईपीएफ में रहेगा। तो एक लॉजिकल से लिस्ट दी है जो आप याद रख सकते हो, राइट, एक लॉजिकल से लिस्ट दी है जो आप याद रख सकते हो। तो सेक्शन 123 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब याद रखना सेक्शन 123 में तुमने वादा किया था तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे, पे कर दोगे 30 डेज में, अगर तुमने डिविडेंड 30 डेज में पे नहीं किया तो क्या होने वाला है, 127 में पेनल्टी लगने वाली है, 127 में पेनल्टी लगने वाली है। तो सेक्शन 127 दैट इज पेनल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस टू ऑफ फेलियर टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज। तो यहां पे जो कंपनी होगी कंपनी को भरना होगा 18% ब्याज, कंपनी को भरना होगा नॉट 18 सॉरी कंपनी को भरना होगा, अब यहां पे देखना है करेक्शन कर लेना, जस्ट मेक ए स्मॉल करेक्शन आउट हियर, जस्ट मेक ए स्मॉल करेक्शन आउट हियर। यहां जो 18% है बिल्कुल सही है, यहां जो 18% है बिल्कुल सही है, बट यहां जो सिंपल इंटरेस्ट था ना ये 18% नहीं होगा, ये 12% होगा, ये 18% नहीं होगा 12% होगा। देर आर टू सिंपल इंटरेस्ट नाउ इन दिस चैप्टर, एक है कंपनी ने डिले किया इन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यहाँ 12% सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया, डिले किया इन ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहाँ 18% इंटरेस्ट है। तो कंपनी शैल बी लायबल टू पे 18% इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सॉरी पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो डिफॉल्ट में इन्वॉल्व थे उनको होगी 2 साल तक की जेल, उनको होगी 2 साल तक की जेल एंड कम से कम लाख रुपए तक का फाइन, कम से कम मिनिमम लाख रुपए तक का फाइन, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो 1000 रुपीज पर फाइन, 1000 रुपीज का फाइन पर डे लगते जाएगा, 1000 रुपीज का फाइन पर डे लगते जाएगा जब तक तुम डिविडेंड पे नहीं कर देते, जब तक डिविडेंड पे नहीं कर देते तब तक 1000 रुपए का फाइन हर दिन लगते जाएगा। और मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 2 ईयर्स तक की, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो यहाँ पे 2 साल तक की जेल हो सकती है और मिनिमम कम से कम 1000 रुपए का फाइन पर डे लग सकता है। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कंपनी के ऊपर लगने वाला है 18% ब्याज और जो कंपनी के डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट हैं वो जाएंगे 2 साल तक की जेल एंड साथ ही साथ पेनल्टी लगने वाली है कम से कम 1000 रुपीज पर डे। और अगर कंपनी ने डिले किया था इन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट तो वहां कितना ब्याज लगा था, 12% का ब्याज लगा था। अब यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ लॉजिकल एग्जम्पशंस हैं कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी कब कब नहीं लगेगा, कंपनी के ऊपर पेनल्टी कब कब नहीं लगेगा। अब लॉजिकल सी चीज़ है, जब भी कंपनी के डिफॉल्ट के पीछे एक अबनॉर्मल रीज़न था, कंपनी वाज वेरी लॉजिकल, कंपनी हैज़ प्रेजेंटेड इट्स फेयर साइड एंड कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है बिकॉज कि भाई कंपनी ने क्यों पे नहीं किया, वहाँ वहाँ पेनल्टी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने एक घर का अपना एड्रेस दिया था, मैंने घर का एड्रेस दिया था कि भाई मेरा चेक इसी घर के पते में आना चाहिए और वो घर का पता आइडेंटिफिएबल नहीं है, या मैंने बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए थे कि भाई ये जो पेमेंट है ये इस बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए, वो बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। सो इन दैट सिचुएशन शेयर होल्डर हैज गिवन सम डायरेक्शन एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू कंप्लाई विद दोज डायरेक्शन एंड दैट इज वाई देर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट, डिले इन द पेमेंट।
तब बताओ क्या कंपनी को पेनल्टी लगनी चाहिए क्या? द आंसर इज नहीं लगनी चाहिए। कंपनी को शेयर होल्डर से कुछ पैसे ड्यू है, कुछ कॉल्स ड्यू है, कंपनी को कुछ कॉल्स ड्यू है, कुछ पैसा ड्यू है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी ने एडजस्ट कर लिया फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो क्या कंपनी ने कोई वायलेशन किया? नहीं किया। क्या पेनल्टी लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, देने के लिए जब पोस्टमैन आया, दो लोग लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिविडेंड है, वो झगड़ रहे थे, ये डिविडेंड का टुकड़ा है, यू नो दिस इज द डिविडेंड, दे वर फाइटिंग। एक कहता है मेरा डिविडेंड है, दूसरा कहता है नहीं मेरा डिविडेंड है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो इस सिचुएशन में डिविडेंड नहीं दिया, तो क्या यहाँ पे पेनल्टी लगनी चाहिए? द आंसर इज नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज देर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। तो भाई शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया, शेयर होल्डर की डायरेक्शन कंप्लाई नहीं हो पाए, इसलिए डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ, पेनल्टी नहीं लगेगा। डिस्प्यूट है, पेनल्टी नहीं लगेगा। लॉफुल सम को एडजस्ट किया, पेनल्टी नहीं लगेगा। लॉ के कारण, लॉ की वजह से, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ डिविडेंड नहीं पे किया, पेनल्टी नहीं लगेगा। या एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन, एनी अदर लॉजिकल रीजन जिसकी वजह से डिविडेंड को पे नहीं किया जा सका, तो पेनल्टी नहीं लगेगा। तो क्या नहीं लगेगा सर? पेनल्टी नहीं लगेगा। तो पेनल्टी नहीं लगेगा इन पांच सर्कमस्टेंसेस में, पेनल्टी नहीं लगेगा इन पांच सर्कमस्टेंसेस में। अब देखना एक सेक्शन जो हमारा बचता है यहाँ पे, सेक्शन 126 डिविडेंड इन अबेयंस, सेक्शन 126 दैट इज द डिविडेंड इन अबेयंस। बहुत ही लॉजिकल से चीज है, बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है, एंड बहुत ही लॉजिकल सा सेक्शन है, दैट इज डिविडेंड इन अबेयंस। क्या मतलब है इसका? मान लो लेट अस से एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर पप्पू ने क्या किया? शेयर ट्रांसफर किया। किसको किया? राम को किया। अब यहां पे क्या है कि जो ट्रांसफर डीड है, जो ट्रांसफर डीड है, ये ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जमा हो चुकी है, कंपनी के पास जमा हो चुकी है, बट कंपनी ने अभी तक ये शेयर राम के नाम रजिस्टर्ड नहीं किया। ट्रांसफर डीड हैज बीन डिपॉजिटेड टू द कंपनी, बट दिस द कंपनी हैज नॉट रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर राम, द कंपनी हैज नॉट रजिस्टर्ड इट इन द फेवर ऑफ मिस्टर राम। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो डिविडेंड का पेमेंट होता है वो हमेशा रजिस्टर्ड होल्डर को होता है। ओनली द रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर इज ऑथराइज टू रिसीव द पेमेंट। बट यहाँ पे जब पप्पू ने शेयर राम को ट्रांसफर कर दिया है बिफोर द ड्यू डेट, राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड मुझे मिलेगा, लॉजिकली मिलना भी चाहिए, बंदे ने पेमेंट कर रखी है। तो अब लॉ ने कहा इस सिचुएशन में पप्पू ने ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट किया राम के नाम पे, ये ट्रांसफर डीड कंपनी को जमा हो गया, बट कंपनी ने राम के नाम पे रजिस्टर नहीं किया। आइडियली डिविडेंड किसको मिलना चाहिए था? पप्पू को मिलना चाहिए था, बट लॉजिकली राम को मिलना चाहिए। तो लॉ ने कहा या तो पप्पू ऑथराइज कर दे, या तो पप्पू कंपनी को ऑथराइज कर दे कि ऑल दो आई एम द रजिस्टर्ड होल्डर ऑन द ड्यू डेट, बट पे द डिविडेंड टू मिस्टर राम। या तो पप्पू ऑथराइज कर दे कि ऑल दो आई एम द रजिस्टर्ड होल्डर ऑन द ड्यू डेट बट पे द डिविडेंड टू मिस्टर राम, यानी ट्रांसफरर ऑथराइज कर दे। अगर ट्रांसफरर ऑथराइज नहीं करता तो ये डिविडेंड किसी को नहीं मिलेगा, ये चला जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अगर ट्रांसफरर ऑथराइज नहीं करता ये डिविडेंड किसी को नहीं मिलेगा, ये चला जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और उस शेयर से रिलेटेड जो भी राइट इश्यू बोनस इश्यू बनता था उसको होल्ड में रख दिया जाएगा, जिसको कहते हैं अबेयंस। उसको होल्ड में रख दिया जाएगा जिसको कहते हैं अबेयंस। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों है ऐसा? क्यों कहा गया ऐसा? अब सोच के देखो यार, अगर पप्पू ने अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर किया होता राम को, दोनों का कंसेंट इन्वॉल्व होता, तो पप्पू ने ऑथराइजेशन दे दिया होता। अगर पप्पू ने ऑथराइजेशन नहीं दिया है, इसका मतलब कोई डिस्प्यूट है, इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट, तो कंपनी पंगे में नहीं फंसेगी। इसीलिए कंपनी ने क्या किया? उस डिविडेंड को किसी को पे नहीं किया और पैसा कहां डाल दिया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया। इसको कहते हैं डिविडेंड इन अबेयंस। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड इन अबेयंस। तो वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज बीन रजिस्टर्ड टू एनी कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, इट शैल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन। मतलब बाहर में गया, बाकी सारा एक्ट मुझे फॉलो करो।
ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू द डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनलेस द कंपनी इज ऑथराइज बाय द रजिस्टर्ड होल्डर, अनलेस द कंपनी इज ऑथराइज बाय द रजिस्टर्ड होल्डर टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी, टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी एंड कैप्ट इन अबेयंस इन रिलेशन टू सच शेयर, कैप्ट इन अबेयंस इन रिलेशन टू सच शेयर एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर और बोनस इश्यू. क्लियर है? So this is the concept of section 126, that is the dividend in abeyance. This is the concept of section 126, that is the dividend in abeyance. अब देखना है यहाँ पे interim dividend के regarding, interim dividend के regarding एक छोटा सा point है, उसे note down कर लें, note down कर लें, लिख लें, simplified language में है. Board of directors कभी भी declare कर सकती है interim dividend during any financial year, किसी भी financial year में declare कर सकती है, और From closure of financial year till the AGM, from closure of financial year till the time the AGM is held, जब से financial year close होता है तब से लेकर AGM के बीच कभी भी company interim dividend declare कर सकती है. Source क्या होगा? Out of the surplus in the P&L of financial year, जिस financial year में company dividend declare कर रही है उसके surplus से declare कर सकती है, या फिर अगर साल खत्म नहीं हुआ है, अगर साल खत्म नहीं हुआ है तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन पीएनएल ऑफ फाइनेंशियल ईयर और आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. जिस भी क्वार्टर में आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, अगर प्रीवियस क्वार्टर तक भी प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. वैसे तो जो उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट है उससे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बट अगर अभी साल खत्म नहीं हुआ है सो इन दैट सिचुएशन जो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर है उस क्वार्टर तक जो प्रॉफिट है आप उससे भी क्या कर सकते हो, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. उससे भी क्या कर सकते हो, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. अब यहां पे एक छोटा सा प्रोविजो भी है. व्हाट इज द प्रोविजो? कि अगर कंपनी ने प्रीसीडिंग क्वार्टर तक लॉस इंकर किया है, अगर कंपनी ने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे प्रीसीडिंग क्वार्टर तक लॉस इंकर किया है, सो इन दैट सिचुएशन जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर पाएगी, जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर पाएगी, दैट विल बी द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर्स. दैट विल बी द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर्स. तो अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकती है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर कर सकती है, कभी भी डिक्लेयर कर सकती है, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द एनुअल जनरल मीटिंग डिक्लेयर कर सकती है, आउट ऑफ द सरप्लस इन द पीएनएल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द प्रीसीडिंग क्वार्टर. और अगर कंपनी ने लॉसेस इंकर किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो मैक्सिमम रेट क्या रहेगा? एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द प्रीसीडिंग थ्री इयर्स. बाकी जितने प्रोविजंस हैं जो भी फाइनल डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल है, इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल है, बट एक चीज याद रखिएगा, रूल थ्री इंटरिम डिविडेंड के केस में एप्लीकेबल नहीं है. रूल थ्री इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड. रूल थ्री इंटरिम डिविडेंड के केस में एप्लीकेबल नहीं है. तो क्या क्या चीज हमने देखी? सेक्शन 123 से 127 का चैप्टर देखा. चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेक्शन 123 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सबसे पहले 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 आईपी अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, 126 डिविडेंड इन अबेयंस, 127 पेनल्टी. तो सबसे पहले सोर्सेज देखें क्या क्या सोर्सेज हैं. अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, लॉसेज हैं, तो रूल 3 कंप्लाई करें. रूल 3 के चार कंडीशंस, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड 3 इयर्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, पैसे विड्रॉ कर लिया उससे पहले लॉसेज सेट ऑफ करें, और बैलेंस रिजर्व में बचना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. अगर करंट ईयर में प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करें, उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें. डिविडेंड का पेमेंट हमेशा कैश में होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन को होना चाहिए. 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बातें देखी. अगर डिले है पेमेंट में तो 12% ब्याज जाएगा वहां पे. 7 साल तक क्लेम नहीं किया तो पैसा आईपीएफ में चला जाएगा. आईपीएफ में पैसे कहां कहां से क्रेडिट होंगे? 126 में डिविडेंड इन अबेयंस देखा कि कंपनी को रजिस्टर्ड डीड जमा कर दिया गया है, ट्रांसफर डीड जमा कर दिया गया है, कंपनी ने ट्रांसफर के नाम पे रजिस्टर नहीं किया है, तो अनलेस अनटिल द ट्रांसफरर ऑथराइजेस द पेमेंट टू द ट्रांसफरी, द पेमेंट विल बी पुट ऑन होल्ड, द डिविडेंड विल बी पुट ऑन होल्ड एंड द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. एंड 127 में हमने पेनल्टी का पार्ट देखा,
कि कंपनी ने अगर डिले किया है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो क्या पेनल्टी लगने वाली है। 18% ब्याज लगने वाला है, 1000 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगने वाली है डायरेक्टर्स के ऊपर, और अप टू 2 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट होने वाली है, और 5 सरकमस्टेंसेज जहाँ पेनल्टी नहीं लगेगी, जो हमने देखा वहाँ पे कि रीजन ऑफ लॉ है, डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ कॉल्स वगैरह एडजस्ट कर लिए, शेयर होल्डर की डायरेक्शन कंप्लाई नहीं की जा सकी, या एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन, अब नॉर्मल रीजन। तो ये 5 सिचुएशंस थे जहाँ पेनल्टी नहीं लगनी है। सो दिस आर द वेरियस पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वेरी चैप्टर, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो छोटा सा चैप्टर है एंड सिंपल सा चैप्टर है आपके लिए।